देखिए हमारा क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये कंडीशन हमारा दिया हुआ है, इससे मैं क्या निकालना है, लोकस ऑफ द पॉइंट निकालना है। मीन्स इससे कुछ इक्वेशन निकलेगा और कुछ ऐसा पॉइंट्स निकलेगा जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट्स है और इक्वेशन निकल रहा है तो किस चीज़ का इक्वेशन निकल रहा है वो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें निकालना है। तो ये 2016 में आया हुआ था वो क्वेश्चन। तो देखिए इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि जेड क्या होता है, जेड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई होता है, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्या कि देखिए जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो द गिवन पहले लिखते हैं, ठीक है। द गिवन क्या है कि जेड माइनस वन वाई में यहाँ पे जेड प्लस वन का ये हमारा मोड हो गया इक्वल टू ये के हो गया। तो देखिए जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई और माइनस वन वाई में यहाँ पे देखिए एक्स प्लस आई वाई होगा ये भी, ठीक है। जेड का जगह पे एक्स प्लस आई वाई और ये हमारा प्लस वन, इसका मोड हो गया इक्वल टू ये के हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि रियल रियल नंबर एक साथ रख लेते हैं और इमेजिनरी नंबर एक साथ रख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस वन एक साथ रख लेते हैं और प्लस आई वाई, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन एक साथ रखते हैं और यहाँ पे प्लस आई वाई, तो ये हमारा मोड इक्वल टू के हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम जानते हैं क्या होता है कि जैसे हम जेड और जेड जेड मीन्स क्या हो गया कि एक्स प्लस आई वाई हो गया, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। वैल्यू लिए तो यहाँ पे देखिए जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि अगर एक्स प्लस आई वाई हो तो यहाँ पे एक्स माइनस आई वाई हो जाता है, और यही दोनों को मल्टीप्लाई कर दे जेड जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स इसका जो वैल्यू होता है जेड प्लस जेड बार का जो वैल्यू, वो हम जेड का मोड लिख सकते हैं, ठीक है। ये जेड का मोड हो जाता है और यहाँ पे जेड का मोड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जेड का मोड का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज हो जाता है। तो देखिए ये जो हमारा है इस हिसाब से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कि ओनली फॉर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं है मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि देखिए एक्स की जगह पे ये पूरा आ रहा है, वाई की जगह पे ये पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है मीन्स हम यहाँ पे रूट के अंडर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंडर लिखेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए डिवाइड में क्या हो जाएगा, रूट अंडर दिख रहा है, हाँ। फिर एक्स प्लस वन का ये हमारा स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू ये के हो गया। अब देखिए ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, ठीक है। तो दोनों रूट कॉमन कर सकते हैं और रूट जो है हम उधर भेज देंगे तो हमारा स्क्वायरिंग में चला जाएगा के स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा। देखिए देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हमारा k स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो x प्लस वन का ये हमारा स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया, ये पूरे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में और a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो हमारा टूट जाएगा। तो देखिए ये हमारा टूट रहा है, तो क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है, देखिए x स्क्वायर माइनस यहाँ पे टू एक्स प्लस वन ये हो जा रहा है और प्लस यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा k स्क्वायर हो गया। एंड देन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू एक्स प्लस वन और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। देन देखिए अब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ हो गया, फिर माइनस यहाँ पे टू एक्स प्लस वन, ठीक, ये टर्म हो गया और इक्वल टू देखिए के से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो के स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। एंड देन देखिए के स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, टू एक्स के स्क्वायर और प्लस यहाँ पे वन के साथ होगा तो के स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि आर एच एस वाले जितने भी टर्म्स हैं एल एच एस में लेके आते हैं, तो एल एच एस में लेके आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। एंड देन देखिए यहाँ वाला टर्म देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है तो इधर ले आते हैं, तो
माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब 2x वाला देखिए, तो माइनस यहाँ पे 2x है और इधर से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x के स्क्वायर हो जाएगा ये वाला टर्म। एंड देन देखिए प्लस 1 है यहाँ पे, तो प्लस 1 एज इट इज रहेगा, तो ये प्लस 1 हो गया और इधर आएगा तो माइनस के स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे भी 2x है, तो ये कॉमन आउट हो जाएगा। तो चलिए कॉमन आउट करते हैं, देखिए यहाँ से कॉमन आउट करते हैं तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर, ये हो गया। देखिए यहाँ माइनस 2x कॉमन आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x कॉमन आउट करेंगे तो 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी ना माइनस कॉमन आउट हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कॉमन आउट हो गया तो प्लस हो गया। ठीक, एंड देन देखिए ये जो टर्म्स है हमारा वो क्या है कि प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया। अब देखिए क्या कि 1 माइनस के स्क्वायर यहाँ है, 1 माइनस के स्क्वायर यहाँ है, तो ये दोनों से कॉमन आउट कर सकते हैं 1 माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन आउट करते हैं, तो 1 माइनस के स्क्वायर ये कॉमन आउट हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म में ये बचा। एंड देन यहाँ टर्म में क्या होगा कि 1 बचेगा तो प्लस 1, और देखिए ये टर्म क्या हो गया माइनस 2x 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कि जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वो किस फॉर्मेट में निकल के आएगा, तो इक्वेशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही पूरा निकल के आएगा। ठीक है, जैसे कि इस फॉर्मेट में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2gx, ठीक है 2gx और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन होता है ये क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक, ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे सारे में पॉजिटिव होता है सर्कल वाला में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस वन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इसे रहने देते हैं एज इट इज, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2x होगा और इसको के स्क्वायर प्लस वन तो लिख ही सकते हैं, ठीक इक्वल टू 0। देन देखिए अब क्या करना है कि यहाँ वाला जो टर्म्स है इसे इरेज करना है के स्क्वायर माइनस वन को। ठीक, तो के स्क्वायर माइनस वन ओनली फॉर क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखना है और वन भी रखना है और ये 2gx रखना है, तो 2gx वाला टर्म्स यहाँ पे है हमारा, ये g हो जाएगा, बाकी 2x तो यहाँ पे है, तो ये इरेज करना है। तो ये इरेज कैसे करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस वन ये टर्म हो गया, फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन ये टर्म, और डिवाइड कर देते हैं के स्क्वायर माइनस वन से। ठीक, और प्लस देखिए यहाँ पे 2x के स्क्वायर प्लस वन है और डिवाइड कर दे रहे हैं के स्क्वायर माइनस वन से इक्वल टू ये 0 हो गया। अब देखिए क्या कि ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ओनली फोर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बचा, और यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे 2x के स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस वन और डिवाइडेड में बच रहा है के स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। तो यही जो हमारा है ये देखिए ये जो टर्म्स हमारा आया इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक, तो हम लास्टली यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए लास्ट वाला टर्म्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तक तो निकल गया, इट इज द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस वन, देखिए सारा टर्म्स है हमारा यहाँ पे इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस यहाँ तक आपको लिखना है एग्जाम में।